अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं की भागीदारी के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में किया गया, जिसमें अयोध्या के एक दर्जन स्कूलों के 2500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले रहे स्कूली बच्चों को दीपोत्सव में उनकी क्या कल्पना है का चित्रण करने का सब्जेक्ट दिया गया। बच्चों ने दीपोत्सव को लेकर तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई। आज से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। 26 अक्टूबर को दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। आज चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह बच्चे दीपोत्सव को लेकर काफी उत्साहित दिखे। इन बच्चों का कहना है कि दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या की संस्कृति को जानने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। यहाँ पर पूरे अयोध्या में भगवान श्री राम के इस पवित्र स्थल पे तीसरी बार दीपोत्सव कार्यक्रम का 2019 का आयोजन आप जैसा देख रहे होंगे, पूरा शासन प्रशासन हम लोग रात दिन लग के कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के इस प्रांगण में हमारे संस्कृति विभाग की तरफ से ये चित्रकला प्रतियोगिता अंकन का कार्यक्रम चल रहा है। इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं, प्रिंसिपल आए हुए हैं, वॉलंटियर लगाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। हम लोग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के आज मेहनत का पहला पॉइंट, जो पहला प्रोग्राम है सकुशलता से, ये चित्रकला हमारे 2500 बच्चे इसमें स्टूडेंट प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लगभग आधे बच्चे अवधि लोक कला पर आधारित अपने विचार को उकेर रहे हैं, अंकित कर रहे हैं। आधे बच्चे लगभग इस भव्य दीपोत्सव, भगवान रामचंद्र जी के दीपोत्सव कार्यक्रम, दीपक और दीपोत्सव का क्या अंदर उनके मन में क्या चल रहा है, कितना श्रद्धा है, भाव है, उसको इस समय उकेर रहे हैं चित्रकला के माध्यम से। जी, क्या नाम है आपका सर? मैं योगेश कुमार, डिप्टी डायरेक्टर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या।